नया खत नहीं आएगा, फिर भी हम पुराने खत जला कर बैठे हैं। एक सीबीएसई का 10th बोर्ड ही तो है जिस पर हम सब कुछ लुटा कर बैठे हैं। कोई बात नहीं, नया खत आए ना आए, हम आपके बीच आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक ह्यूमन आई को लेकर के, जिससे कि क्वेश्चन, आप अगर क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे, मॉडल सेट बना रहे होंगे, तो इस चैप्टर का वेटेज आपको समझ में आएगा। क्योंकि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और बन जाओ टॉपर, कहानी उसे कहते हैं। तो आपके टॉपर बनाने में, आपको टॉपर बनाने के लिए आ गया है एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के, आपका अपना इडुजॉन। आइए हम लोग समझते हैं ह्यूमन आई को, स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा चैप्टर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो मानव नेत्र होता है। अब मानव नेत्र क्या होता है, ह्यूमन आई क्या होता है, इट इज अ सेंस ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। ह्यूमन आई जो है यह हमारे बॉडी का सेंस ऑर्गेन है। आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गेन की जब भी बात होगी तो जो हमें सेंसिएशन देगा बाहरी वातावरणों का, वो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गेन कहलाता है। और इनकी कुल संख्या जो होती है वह 5 होती है। एक हो गया आई, दूसरा हो गया नोज, तीसरा हो गया ईयर, फिर टंग, फिर स्किन। इस तरह से 5 जो होते हैं वो सेंस ऑर्गेन होते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गेन में एक सेंस ऑर्गेन आई के बारे में हमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम पहले ह्यूमन आई को कंप्लीट समझेंगे, उनके पार्ट्स को समझेंगे, फिर डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आईज पढ़ेंगे, फिर कुछ लाइट के फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, और उनके बाद इस चैप्टर को अलविदा कर देंगे। और उनके बाद आपको देखना है पीवाईक्यू मॉडल सेट, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाता है तो मिलिएगा सामने। आइए समझते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को अगर हम डिफाइन करें, ह्यूमन आई के बारे में लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं इट इज द सेंस ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी विच इनेबल्स टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड या अमेजिंग वर्ल्ड। अब देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेजिंग वर्ल्ड है, लेकिन आप कहीं धोखा खा लिए हैं, कहीं कुछ कर बैठे हैं, तो आपको अगर ये जग सूना सूना लगता है तो आप कह सकते हैं इट इज द सेंस ऑर्गेन विच इनेबल्स टू सी सूना सूना वर्ल्ड। आप अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए अच्छे परिभाषा ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो ह्यूमन आई क्या हुआ, अ सेंस ऑर्गेन हुआ, अ सेंस ऑर्गेन हुआ जो कि आपको इनेबल्स करता है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में। अब तो आप एक छोटा सा बात तो ह्यूमन आई नहीं, अब यह ह्यूमन आई जो है अलग अलग इसका पार्ट से यह कंजिस्ट है, अलग अलग ऑर्गेन से यह क्या है, कंजिस्ट है। अब हर एक का अपना अपना पार्ट का अपना अपना क्या है, फंक्शन है। अब हम लोग इसके टाइप के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप अपने ह्यूमन आई के खूबसूरत तस्वीर को देखिए जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो दिख रहा होगा, ये है हमारा ह्यूमन आई, कंप्लीट ह्यूमन आई। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, हमारा आयरिस होता है, कॉर्निया होता है, लेंस होता है, और एक एंटीरियर चैम्बर होता है, फिर उसमें एक्वस ह्यूमरस भरा हुआ होता है या एक्वस ह्यूमर भरा होता है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, फोविया होता है, कोराइड होता है, रेटिना होता है, स्केलेरा होता है। इनके अलावे यह जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे नर्व का एंट्री हो रहा है हमारी आँखों में, इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अब एक एक करके हम सब पार्ट्स को बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमारा पार्ट्स है लेंस। लेंस जो होता है हमारी आंखों में, वो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है, ये ऑटोमेटिक फिटेड है, जन्म के बाद आपकी आंखों में फिट नहीं किया जाता है, जब आप जन्म लेते हैं उसी के साथ आपके आंखों में कॉन्वेक्स लेंस आ जाता है। क्योंकि यह कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा यह कैसा होगा, यह रियल होगा। आपको पता होगा जब आप पढ़ रहे होंगे लेंस के बारे में, तो कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी में आप पढ़ते होंगे इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब बात तो समझिएगा, पूछेगा अरे सर हम तो देखते हैं सीधा सीधा, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन तो इन्वर्टेड हो रहा है। तो इसका काम जो है ना, ये ब्रेन करता है। जब ये ऑप्टिक नर्व इस मैसेज का ट्रांसफर हमारे ब्रेन तक करता है, तो ब्रेन हमारे उस इमेज को क्या कर देता है, सीधा बना करके हमें दिखाता है। लेकिन हमारे रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है वह कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो लेंस से ध्यान में रखेंगे कि हमारी आंखों में जो लगा हुआ लेंस है वह कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। दूसरी बात, हम लोग आते हैं आयरिस पे। तो आयरिस क्या होता है, ध्यान में रखेंगे आयरिस क्या होता है। आयरिस हमारा ये आंखों का आगे वाला जो पार्ट होता है, इसमें आपको आयरिस दिख रहा होगा, ये क्या कहलाता है, आयरिस। क्या कहलाता है, आयरिस। ये जो पार्ट है यही क्या है, आयरिस। तो आयरिस क्या करता है, आयरिस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कि
हमारी आंखों में कितना लाइट की एंट्री होगी, जिससे कि हम बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को देख पाएंगे। तो इसका जो कंट्रोल होता है वह किसके पास होता है, आयरिस के पास होता है। तो आयरिस क्या करता है, तो आयरिस इज द पार्ट ऑफ आवर आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आयरिस क्या करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमें समझना है प्यूपिल्स के बारे में। आपके आंखों में जो ब्लैक होता होगा, एक छोटा सा बना हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल। क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या करता है, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ आई थ्रू विच लाइट इज इंटर। हमारी आंखों में जो लाइट की एंट्री होती है वह किसके सहारे होती है, प्यूपिल की सहारे होती है। तो थ्रू विच लाइट इज इंटर, जिससे होकर लाइट इंटर करे हमारी आंखों में, वह कौन होता है, प्यूपिल होता है। वह कौन होता है, प्यूपिल। एक बात होती है कॉर्निया, क्या होती है, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है यह आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई। और यह हमारी आंखों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और कभी भी आई डोनेशन जो होता है, मतलब एक व्यक्ति के से आंख लेकर दूसरे व्यक्ति में जो नेत्र का दान होता है, उसमें हमारी जो आंखों का कौन सा पार्ट होता है, वो कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया क्या हो गया, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई। इसके बाद अगर हम बात करें किसका, तो देखिए ध्यान से, यह हमारा क्या हो गया, कॉर्निया, और ये हमारा क्या हो गया, लेंस। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिस लिक्विड को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, कि जो हमारा आयरिस होता है, और जो हमारा आई लेंस होता है, इन दोनों के बीच में लिक्विड भरा रहता है, जिस लिक्विड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब इसके बाद होता है एक ऑप्टिक नर्व। क्या होता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व का काम है इट ट्रांसफर मैसेज। क्या करता है, इट ट्रांसफर मैसेज, यह मैसेज का ट्रांसफर करता है फ्रॉम आई टू ब्रेन। यह क्या करता है, मैसेज का ट्रांसफर करता है। और मैसेज का ट्रांसफर कहां से कहां तक करता है, आई टू ब्रेन। किसी को आप देख लिए तो मैसेज जो जाएगा हमारे ब्रेन तक, तब ना हम पहचान पाएंगे यह हमारी वाली है या उसकी वाली है। क्या इसका ऐसे थोड़ी पहचान पाएंगे, इसके लिए हमारे पास मैसेज जाना चाहिए। और यह सेरिब्रम में सेट रहता है इमेज, और वह तब सेरिब्रम बता देता है कि वो कौन है। तो इसके लिए मैसेज का ट्रांसफर करने का जो काम होगा वह कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। और यह ऑप्टिक नर्व जो होता है ना, यह दो भागों में बटा होता है, एक होता है रॉड सेल, रॉड नर्व, एक होता है कोन नर्व। एक कौन होता है, कोन नर्व। यह जो रॉड नर्व होता है, इसका संबंध जो है डार्कनेस और ब्राइटनेस से है, मतलब अंधेरा है या कलरफुल है, या कलरफुल है, अंधेरा है या उजाला है, इनका जो जिम्मेवारी है वह कौन करेगा, रड। जबकि कोन नर्व का जो काम है, यह कलर को डिटेक्ट करता है। यह क्या करता है, कलर को डिटेक्ट करता है, मतलब कलर के बारे में इंफॉर्मेशन का साझा करता है ब्रेन से, वह कौन करता है, कोन नर्व करता है। जबकि जो रड नर्व होता है, यह डार्कनेस के बारे में बताता है। इसके बाद होता है येलो स्पॉट। क्या होता है, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट से पहले आप समझिए रेटिना। क्या होता है, रेटिना। रेटिना जो होता है वो हमारे आंखों का पीछे का पार्ट होता है, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। तो रेटिना क्या होगा, इट इज द बैक पार्ट ऑफ आवर आई एट विच इमेज इज फॉर्म। जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा वही क्या होगा, हमारा रेटिना। वही क्या है, रेटिना। तो इमेज का फॉर्मेशन आंखों में कहां पे होगा, रेटिना पे होगा। कहां पे होगा, रेटिना पे। और एक होता है स्केलेरा। क्या होता है, स्केलेरा। स्केलेरा क्या होता है, White part of our eye. जो हमारे आँख है, आँख में जो white part आपको दिख रहा है, वही आपका क्या है, स्केलेरा। क्या है, स्केलेरा। एक होता है येलो स्पॉट। क्या होता है, येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट का काम क्या है, येलो स्पॉट है a part of retina at which very cleared image is formed। जहाँ पे आँखों में, रेटिना में, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बहुत ही सुंदर तस्वीर का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही अच्छा इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है येलो स्पॉट। एट विच वेरी क्लियर्ड इमेज इज फॉर्म्ड।
वेरी क्लियर इमेज इज फॉर्म। लेकिन मेरे भाई इस येलो स्पॉट में भी एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है फोबिया। क्या कहा जाता है? फोबिया। इस फोबिया पे मतलब पूरे रेटिना में अगर सबसे अच्छा इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वह पार्ट कहलाता है येलो स्पॉट। उस येलो स्पॉट का भी एक खास भाग होता है, एक खास पॉइंट होता है जहाँ पे एकदम बेहतरीन क्लीन कट इमेज का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोबिया। जैसे तीरंदाजी होता है, कहीं पे निशाना करना हो तो वहाँ जो आँख बंद करके जो निशाना साधा जाता है, मतलब उस लिए किया जाता है ताकि हम इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कर पाए, फोबिया पे कर पाए। और अगर फोबिया पे इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वेरी क्लियर होगा जिससे कि हमें निशाना साधने में बहुत आसानी होगी। तो फोबिया क्या हो गया? पार्ट ऑफ येलो स्पॉट एट विच मतलब क्लियरेस्ट इमेजेस फॉर्म, मतलब जो एकदम बहुत सुंदर से सुंदर इमेज का फॉर्मेशन करना है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करवाना होगा? फोबिया पे करवाना होगा। तो ये क्या है? येलो स्पॉट का ही एक भाग है। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या आता है? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे आँख है, तो आँख है तो यहाँ नर्व सब तो गया हुआ रहता है आँखों में, तो आँखों में जो नर्व सब गया रहता है ये ऑप्टिक नर्व, तो आँखों में कहीं तो एंट्री लेगा, कहीं तो एंट्री लेगा। जैसे आप अपने घर में दीवार को देखिए, दीवार में हर जगह अंदर वायरिंग 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 है, लेकिन कहीं तो बोर्ड लगा हुआ है, और जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ तो दीवार खराब हुआ है, वहाँ तो दीवार वहाँ से हटा हुआ है, वहाँ तो दीवार का कनेक्शन हटा हुआ है। तो जहाँ बोर्ड लगा हुआ है वह कंप्लीट दीवार को क्या करता है? थोड़ा हटाता है, मतलब वहाँ दीवार नहीं है, वहाँ क्या है? बोर्ड है। उसी तरह से जहाँ ऑप्टिक नर्व एंट्री लेगा तो वहाँ तो आँखों को डिस्टर्ब करेगा, तो वहाँ तो इमेज का जो फॉर्मेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो मतलब जहाँ इमेज का क्या हो? डिस्टर्ब हो, जहाँ इमेज का फॉर्मेशन ना हो रेटिना का, तो वही क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट इज द पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई एट विच नो इमेज इज फॉर्म। यह वह पार्ट है जहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, जबकि येलो स्पॉट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एट विच वेरी क्लियर इमेज इज फॉर्म। येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट में आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। इस तरह से अगर आप ह्यूमन आई के कंप्लीट फिगर को देखें तो आपको पता चलता होगा ये हमारा क्या है? लेंस है। और इस लेंस को जो भाई है ना, इसको देखिए यहां पे होल्ड किया हुआ, इसको पकड़ा हुआ है, और इसको पकड़ के जो रखता है उसे कहा जाता है सिलियरी मसल्स। क्या कहा जाता है? सिलियरी मसल्स। क्या कहा जाता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हिच होल्ड्स द ह्यूमन लेंस, व्हिच होल्ड द कॉन्वेक्स लेंस, या व्हिच होल्ड द लेंस, व्हिच होल्ड द लेंस, जो इस लेंस को पकड़ के रखता है में, उसे ही कहा जाता है सिलियरी मसल्स। तो ये हो गया आपका लेंस। लेंस कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। आयरिस जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होगा जो आई को सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो कॉर्निया होगा और जो लेंस होगा इनके बीच में लिक्विड भरा हुआ रहेगा जिसे हम लोग कह देंगे एक्वस ह्यूमर। ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? मैसेज का ट्रांसफर करेगा। कहाँ से? आई टू ब्रेन करेगा। और ये यहीं से होकर के लाइट की एंट्री होती है, इसीलिए यहीं से होकर नर्व का एंट्री होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। फोबिया एक येलो स्पॉट का पार्ट होता है जहाँ पे एकदम क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद रेटिना जो होता है, रेटिना ये बैक पार्ट ऑफ आवर आई है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। स्केलेरा क्या है? व्हाइट पार्ट ऑफ आवर आई, व्हाइट पार्ट ऑफ आवर आई। इनके अलावे जो में नहीं था उनका भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, जैसे आपका प्यूपिल इस डायग्राम में नहीं गिवन है, लेकिन आप देखेंगे अच्छे से वाला फोटो तो वहां आपको दिखेगा। उसके बाद ये एक ब्लाइंड स्पॉट, एक सिलियरी मसल। ब्लाइंड स्पॉट वह पार्ट ऑफ आवर आई है जहां की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई होप कंप्लीट आप इस तरीके से अगर ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखे होंगे और उसके पार्ट के बारे में शांत मन से सुन रहे होंगे केवल इस वीडियो को, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हमें दो टॉपिक को और क्लियर करना है। दो टॉपिक या दो पॉइंट के, एक नियर पॉइंट एक फारर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है या नियरर पॉइंट क्या होता है? यह वह पॉइंट होता है जहां तक आप स्पष्ट क्लियर रूप से देख सकते हैं, इसलिए इसे कहा भी जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब स्पष्ट दूर, LDDV, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और यह दूरी जो है आपको ध्यान में रखना है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। अगर आपको एकदम नियर की ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से देखना है तब भी आपको यह डिस्टेंस जो मेंटेन करना है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर रखेंगे तो ही ठीक ठाक इमेज हमारे रेटिना पर बन पाएगा और हम अच्छे तरीके से देख पाएंगे। दूसरा होता है फार पॉइंट या फारर पॉइंट, यह होता है महत्तम दूरी, मतलब आप कहां तक किसी भी वस्तुओं को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो इनका जो वैल्यू होता है एक स्वस्थ आंखों के लिए वो होता है इन्फिनिटी,
वही इंफिनिटी जिनका प्रयोग आपके जीवन में केवल एक बार है, जब भी वह पूछे हमसे कितना मोहब्बत है तो कह दीजिएगा इंफिनिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए फायर पॉइंट का ह्यूमन आई में जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, इंफिनिटी होता है, क्योंकि यहां से आप आकाश को ही देख लीजिए ना, आपको कहां तक दिखाई दे रहा है आपको खुद पता नहीं, इंफिनिटी तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर तो हमारा सूर्य है, इससे ऊपर आप तारे को देख रहे हैं जो कि हजारों करोड़ किलोमीटर से है। तो आपको यह स्पष्ट ध्यान रखना है कि अगर हमें वैल्यू पूछा जाए फायर पॉइंट का एक हेल्दी मतलब एक स्वस्थ आंखों के लिए, तो वो आपको याद रखना है इंफिनिटी, और नियरर पॉइंट के लिए ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर, और इस नियरर पॉइंट को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन या LDDV भी कहा जाता है, और LDDV का जब भी वैल्यू पूछे आपको हिट करना है 25 सेंटीमीटर होगा। तो आइए हम लोग अब चलते हैं किसको हम लोग जानते हैं, किसको, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आईज के बारे में, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में अब हम लोग उसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले हमें डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल आई होता है जिसमें कि ना तो आपको पास की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है ना तो दूर की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है, तो वह हो गया आपका नॉर्मल आई मतलब ठीक ठाक आई। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना तो हमें पास की वस्तुएं दिख पाती है और कभी कभी किसी को दूर की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है, और कभी कभी को दोनों को दिक्कत हो जाती है, ना पास की दिखती है ना दूर की दिखती है, तो ये सब क्या है, डिफेक्ट ऑफ आई है। हम लोग एक एक करके डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में समझेंगे। सबसे पहला डिफेक्ट जो हम लोग उठा रहे हैं वो मायोपिया को उठा रहे हैं, जिसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, खैर हिंदी मीनिंग पे हम फोकस नहीं करेंगे, बस हमें टर्मिनोलॉजी को समझना है कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया होता है इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई, इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई नियरर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, Nearer object seen clearly, but distinct object doesn't seen clearly. Nearer object seen clearly, जिसमें आपको पास रखी ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा लेकिन दूर की वस्तुएं अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा, उसे ही हम लोग कह देते हैं मायोपिया। क्या कह देते हैं, मायोपिया। और यह मायोपिया तब होता है जब आईबॉल जो होता है, आईबॉल यह बढ़ जाता है, आईबॉल का इंक्रीज हो जाना, आईबॉल का इंक्रीज हो जाना, और इस आईबॉल का इंक्रीज हो जाने के कारण क्या होता है, मायोपिया हो जाता है, मतलब अब हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखेगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखेगी। तो जब मायोपिया किसी को हो जाता है तो उनके रिमेडी के लिए, उनके उपचार के लिए जो हम लोग लेंस का यूज करते हैं, वह लेंस हो जाता है हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो जाता है, कॉनकेव लेंस। अगर कोई मायोपिया से शिकार है, मायोपिया किसी को हो चुका है, तो अब जो उनके उपचार के लिए, अब उनको पास की वस्तुएं को दिखाने के लिए, पास की वस्तुएं अब वो देख सकते हैं, इनके लिए जो उपचार के लिए, जो रिमेडी के तौर पे हम लोग लेंस का यूज करते हैं, वो कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया होता क्या है, मायोपिया होता है इन दिस डिफेक्ट ऑफ आइज नियरर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट फारर ऑब्जेक्ट डजंट सीन क्लियरली इज टर्म्ड एज मायोपिया। बट इन दिस बेसिकली यह होता क्या है, क्योंकि इसमें आईबॉल का साइज जो होता है वह बढ़ जाता है, और इनके रिमेडी के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, बस इतना ध्यान रखें। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट ऑफ आईज फारर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट Nearer object doesn't seem clearly. आपको फारर ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा लेकिन नियरर ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा। इस दोष को जो होता है आंखों में, जो डिफेक्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो यह होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको दूर की वस्तुएं दिखेगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखेगी। फारर हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि फारर ऑब्जेक्ट डजंट सीन क्लियरली बट नियरर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली इस टर्म इज दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी को यस इस टाइप का डिफेक्ट आंखों में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, हाइपरमेट्रोपिया कह देंगे। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उनके रिमेडी के लिए जो हम लोग लाते हैं, तो उनके रिमेडी के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉनवेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉनवेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉनवेक्स लेंस। तो याद रखेंगे मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस, जबकि हाइपरमेट्रोपिया के रिमेडी के लिए कॉनवेक्स लेंस। एक थर्ड डिफेक्ट ऑफ आई होता है जो होता है प्रेसबायोपिया। क्या हो जाता है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई नियरर एंड फारर, नियरर एंड
फारर। इसमें ना तो नियरर आपको दिखेगा ना तो फारर दिखेगा, ना तो नियरर दिखेगा ना तो फारर दिखेगा। जब ना तो आपको नियरर दिखे ना तो आपको फारर दिखे तो आपको क्या हो गया, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। तो जब यह डिफेक्ट हो जाएगा तो इनका एक अलग नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो इनके लिए जो चश्मा का यूज किया जाता है, इनके लिए जो लेंस होगा, इनके लिए जो स्पेक्टेकल्स होगा, उस स्पेक्टेकल्स में जो लेंस लगा होगा, दोनों लेंस लगा होगा, एक कॉन्केव लेंस भी लगा रहेगा और दूसरा कन्वेक्स लेंस भी लगा रहेगा। तो होगा क्या कि चूंकि इसको नियरर देखना है, पास की वस्तुएं देखना है और पास की वस्तुएं किस डिफेक्ट ऑफ आइज में नहीं दिखता है, तो हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया के रिमेडी के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका नीचे में जो लगा रहेगा वह कौन सा लेंस लगा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। जबकि दूर का वस्तुएं देखने के लिए हमें मायोपिया, दूर की वस्तुएं देखने नहीं दिखता है तो उसके कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया, और मायोपिया को दूर करने के लिए, मायोपिया के रिमेडी के लिए कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। तो ऊपर में लगा रहेगा कॉन्केव लेंस, ऊपर में लगा रहेगा कॉन्केव लेंस और नीचे लगा हुआ रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर लगा रहेगा कॉन्केव लेंस, नीचे लगा रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेंगे प्रेस बायोपिया के लिए हम लोग जो लेंस का, इसका जो रिमेडी के लिए यूज करते हैं, अगर प्रेस बायोपिया है और इनका रिमेडी के लिए यूज करना है तो यूज करेंगे बायफोकल लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, बायफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बायफोकल लेंस। तो प्रेस बायोपिया के लिए बायफोकल लेंस। ध्यान रखेंगे मायोपिया कॉन्केव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस। चूंकि प्रेस बायोपिया है तो इसमें मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो मायोपिया को रिलीज करने के लिए कॉन्केव लेंस, दूर देखना है तो कॉन्केव लेंस, पास देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया है। तो नीचे में कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर में कौन सा लेंस लगा रहेगा, कॉन्केव लेंस लगा रहेगा। ध्यान रखेंगे इसके डायग्राम को, इस स्पेक्टेकल्स में किस तरह से इनका यूज होगा। फोर्थ होता है एस्टिगमेटिज्म। क्या होता है एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म क्या होता है एस्टिगमेटिज्म। इन दिस डिफेक्ट ऑफ आईज इमेज इज फॉर्म्ड वर्टिकली इंक्लाइंड, इमेज जो होगा वह क्षैतिज रूप से झुका हुआ दिखेगा। एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है कि इमेज आपको एकदम, अगर इमेज इस तरह से, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से, इनका इमेज जो आपकी आंखों पर बनेगा वह इंक्लाइंड बनेगा, झुका हुआ बनेगा। तो जब झुका हुआ बनेगा तो यह जो एस्टिगमेटिज्म का टेस्ट जो पायलट होते हैं इनका लगभग सप्ताह में एक बार कर लिया जाता है। क्योंकि सोचिए अगर रनवे है, रनवे तो एकदम प्लेन है, लेकिन अगर वह एस्टिगमेटिज्म के शिकार हो गए, एस्टिगमेटिज्म उनको हो गया, तो रनवे उसको कैसा दिखेगा, उठा हुआ। अगर रनवे उठा हुआ दिखेगा तो प्लेन को भी क्या कर देंगे, उठा देंगे, तो क्रैश होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। तो इसलिए उनका टेस्ट बराबर एस्टिगमेटिज्म का किया जाता है। वैसे पायलट का हर चीज का टेस्ट किया जाता है, वैसे एस्टिगमेटिज्म पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो एस्टिगमेटिज्म हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा, वर्टिकली इंक्लाइंड होगा, वर्टिकली इंक्लाइंड होगा। और इनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका रिमेडी के लिए आप यूज कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। क्या यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। अगर हमें कोई भी एस्टिगमेटिज्म का शिकार है, एस्टिगमेटिज्म हो गया है, तो इनको दूर करने, इन दूर तो नहीं मत, इसको मतलब देख पाने के लिए अच्छे तरीके से हम लोग कौन सा लेंस का यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज हम लोग करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, और अगर प्रेस बायोपिया हो गया तो बायफोकल लेंस, उसके बाद अगर एस्टिगमेटिज्म हो गया तो सिलेंड्रिकल लेंस। इस तरह से हमें सभी डिफेक्ट ऑफ आइज को ध्यान में रखना है और रिमेडी भी ध्यान में रखना है। देखिए ये डिफेक्ट ऑफ आई जो फिजिक्स में हमें पढ़ना है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बायोलॉजिकल भी हमारे आंखों में कई प्रकार का जो दिक्कतें आ जाती है, जैसे किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया, किसी को कैटरेक्ट हो गया, रतौंधी हो गया, किसी को मोतियाबिंद हो गया। तो ये सब जो है ये बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, किसी ना किसी चीज के डिफिशियंसी के कारण होता है। तो ये बायोलॉजिकल टर्म है जहां हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहां अगर डिफेक्ट ऑफ आईज के बारे में आपको पढ़ना है, यहां मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया से ही आप क्लास 10th का काम चला सकते हैं। एस्टिगमेटिज्म वो भी हम थोड़ा आगे चल करके आपको करवा दिए हैं, अगर आप ध्यान में रख पाएंगे तो ध्यान में रखिए। और इनका जो होता है वो रिमेडी एकदम इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या 3 से 4 नंबर भी मिल सकता है जब उनको अगर हमें मैच करने में यह पूछ ले तब। तो हम एक नंबर भी छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें बनना है टॉपर। तो इसलिए आप देखिए अच्छे तरीके से, अगर दिक्कतें होती है तो कमेंट कीजिए उस पार्टिकुलर पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस ह्यूमन आई के चैप्टर में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ फेनोमेना ऑफ लाइट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ फेनोमेना ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग सबसे पहले उठाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट को। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी आपके पास एक प्रिज्म हो, क्या हो, प्रिज्म हो,
और वह प्रिज्म हम ट्रायंगुलर शेप का ले रहे हैं, तो इस प्रिज्म से जब भी हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, इतना ध्यान रखिए कि वह जो व्हाइट लाइट बना होता है यह अपने कंपोनेंट कलर से मिलकर के बना होता है। तो जब हम किसी प्रिज्म से इस व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो यह जो व्हाइट लाइट होता है अपने कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। यह क्या होता है, अपने कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता है, मतलब अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाता है। और जब यह व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाए, जब हम इसको प्रिज्म से होकर के पास करवाएं, तो यही फेनोमेना ऑफ लाइट जो कहलाता है वह डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर हम इसे स्टेटमेंट में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू प्रिज्म आफ्टर पासेस इट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासेस थ्रू अ प्रिज्म देन इट्स ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे देखिए यह हमारा व्हाइट लाइट था, हम इसको पास करवाए, पास करवाने के बाद क्या हुआ, यह व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में टूट चुका है। अगर यह कंपोनेंट कलर में टूटा है तो वह कौन कौन सा कलर होगा, ध्यान रखेंगे सबसे नीचे जो होगा वायलेट होगा, उसके बाद इंडिगो होगा, उसके बाद ब्लू होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, इसके बाद येलो होगा, उसके बाद ऑरेंज होगा, उसके बाद रेड होगा। तो यह एक खास वर्ड से आप इसको अगर याद करना चाहे तो याद रख सकते हैं कि यह जो आपका कंपोनेंट कलर में टूट रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विबग्योर। कौन है, विबग्योर। तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर वाला जो कलर होगा वह रेड होगा, सबसे नीचे वाला कलर जो होगा वह वायलेट होगा। तो ध्यान में यह बात भी आ रही होगी, क्यों नहीं रेड नीचे आया, क्यों वायलेट ही नीचे आया, क्यों इंडिगो ही नीचे से ऊपर में सबसे ऊपर क्यों नहीं है। तो मेरे भाई ये डिपेंडेंसी जाता है वेवलेंथ पे, किस पे जाता है, वेवलेंथ पे। जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो डेविएट कम होगा, वो ब्रेक्स कम होगा, मतलब वो कम मुड़ेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगा। यही कारण है कि इस सभी सातों कलर में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वह रेड कलर का होता है, और चूंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसीलिए यह कम झुका, या क्या क्या कम झुका, इसलिए सबसे ऊपर में कौन होगा, रेड होगा। तो वेवलेंथ इनके ज्यादा रहने के कारण यह दूर तक दिखाई भी देता है, दूर तक दिखाई देता है। यही वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इनका यूज हम सिग्नल सब पर भी करते हैं, है कि नहीं। तो यह अलग टॉपिक है, आप यहां समझिए कि यह बेंड ऑफ कलर बनाता है। जब भी वह व्हाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से होकर पास करवाते हैं तो वह अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाता है, यही फेनोमेना क्या कहलाता है, हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। यही एक और फेनोमेना बन जाता है, ध्यान रखेंगे कि अगर यह बेंड अपने कंपोनेंट कलर में टूटा तो एक कलर का बेंड बना लिया, क्या बना लिया, कलर का बेंड बना लिया, और जब डिस्पर्सन हो जाता है तो यह कलर का जो बेंड बनता है इसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम, वर्णपथ। क्या कहा जाता है मेरे भाई, वर्णपथ। तो यह वर्णपथ कब बनता है, जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है उनके बाद कलर का एक खास बेंड बन जाता है, जिसे बेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यह जो रेनबो आपको दिखता है या रेनबो क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। क्या है, स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उसमें भी सूर्य से आती हुई व्हाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट से होकर के पास होती है, जिनके कारण वह क्या होती है अपने कंपोनेंट कलर में टूट करके एक बेंड बना लेती है सेवन कलर का। वही जो बेंड ऑफ सेवन कलर है वही क्या कहलाता है, रेनबो। और रेनबो में कभी कभी कितने कलर होते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप याद कर सकते हैं विबग्योर। क्या याद सकते हैं, विबग्योर। तो विबग्योर से आपका रेनबो का सारे कलर भी दूर हो जाएंगे, और रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है उनके बारे में भी आप समझ पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा होगा, आशा करते हैं आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के साथ साथ आप क्या होता है, स्पेक्ट्रम को भी समझ गए और रेनबो को भी समझ गए। हम लोग अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक को आगे बढ़ा करके हम लोग समझते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। देखिए आप एक बात तो ध्यान में आ चुका होगा, जब आप लाइट पढ़ रहे होंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वहाँ आप पढ़े होंगे कि रिफ्रैक्शन का जो इवेंट होता है, रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है, यह तब अकर होता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर लेती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर लेती है तो लाइट क्या होती है कि अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाती है, जिस फिनोमेना को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कह देते हैं मेरे भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगा तो ही वह अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट होगा, वरना लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में गमन करती है, लाइट का ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट पाथ में होता है, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। यह लाइट का एक फिनोमेना है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन
ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर जाएगा, लेकिन होगा क्या अगर मीडियम बदल गया, अगर मीडियम बदल गया तो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी। तो जब यह एटमोस्फेयर में होता है, जब क्या होता है एटमोस्फेयर में होता है, तब हम लोग उसे कहते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए डीजे का साउंड आ चुका है, थोड़ा देर हम वीडियो देखिए, हम लोग समझ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बीच में आ गया था। डीजे डीजे का आवाज आप सुन चुके होंगे, आइए स्टार्ट करते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं, डीजे हमसे दूर जा चुकी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम समझ रहे थे, रिफ्रैक्शन व्हिच इज अकर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल मैच एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। अब देखिए इसके कुछ प्रभाव को देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ प्रभाव आपको दिखते होंगे, जैसे कि सनसेट और सनराइज। 2 मिनट पहले आपको सनराइज दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक सनसेट दिखेगा, क्यों, क्योंकि यह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक फेनोमेना है, उनके कारण ही हमें ऐसा लगता है। या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अगर आपको तारे टिमटिमा रहे हैं तो एक्चुअल में तारे टिमटिमा नहीं रहे होते हैं, या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से लाइट एंट्री करती है तो वह कभी इमेज का फॉर्मेशन आपकी आंखों पे इधर कभी उधर, तो उनके कारण वह ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखते हैं। तो यहां एटमॉस्फेयर के कारण यह सब घटना होती है, जिसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोनों एग्जांपल भी और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी। अब एक टर्मिनोलॉजी हमारा इस टॉपिक में पूरे चैप्टर में बच रहा है, वह है स्केटरिंग ऑफ लाइट। क्या है स्केटरिंग ऑफ लाइट, क्या है स्केटरिंग ऑफ लाइट। देखिए टर्म को अगर आप समझ गए ना तो पूरा डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। स्केटरिंग ऑफ लाइट वर्ड से ही लग रहा है कि लाइट क्या होगा स्केटर्ड होगा, लाइट क्या होगा स्केटर्ड होगा। और लाइट कब स्केटर्ड होगा, जब भी कोई वह इम्परफेक्ट मीडियम से पास आउट होगा या किसी भी मीडियम से क्या होगा पास आउट होगा, तो वह क्या होगा स्केटर्ड हो जाएगा। मान लीजिए ये सन है, ये क्या है सन है, और यहाँ से लाइट आ रही है, और यहाँ एक मीडियम इसको मिल गया कौन क्लाउड, क्या मिल गया क्लाउड। तो यह जब भी लाइट इससे पास आउट होगी तो यह लाइट अपने पाथ से स्केटर्ड हो जाएगा, अपने पाथ से विचलित हो जाएगा, अपने पाथ को छोड़ करके दूसरे पाथ में गमन करने लगेगा, तो जिसे ही हम लोग कह देते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना व्हेन लाइट इज पास थ्रू एनी इम्परफेक्ट मीडियम दे स्केटर्ड, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज स्केटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। इसके अलावा आपके इस ह्यूमन आई चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, ध्यान दीजिए हमने आराम आराम से टॉपिक को उठाया और कंप्लीट तक पहुंच पाए हैं, जहां सबसे पहले हमने बात की ह्यूमन आई के बारे में, फिर उस ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जब वह पार्ट्स खत्म हुआ तब हमने उठाया डिफेक्ट ऑफ आई, उस डिफेक्ट ऑफ आई को पढ़ने के बाद हम लोग आ चुके थे कुछ लाइट के फिनोमेना को पढ़ने में, जहां हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात की, जहां हमने स्पेक्ट्रम की बात की, जहां हमने रेनबो का फॉर्मेशन पे बात किया, और अंततः हम पहुंच गए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए स्केटरिंग ऑफ लाइट। इनके बाद हमारा चैप्टर में और कुछ बचा ही नहीं, आप क्या कर लीजिए आपका काम है एक बार वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एकाग्रता के साथ देख लीजिए, इसके बाद में इस चैप्टर से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर हो जाए तो बात कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।